कनाडा बॉर्डर पे ले जाके उनको क्रॉस कराता है सब। यहाँ पे बड़ी झमेला, इस पर एक मूवी आ रही है अभी यहाँ पे, तो ये बड़ी विवादित बॉर्डर रहा है मैक्सिको। तो देखिए ध्यान से, ये इलीगल इमिग्रेंट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कौन जगह, मैक्सिको। बहुत सारे देखिएगा फिल्मों, इस पे एक फिल्म भी बन रही है भारत से, बहुत सारे लोगों। दोस्तों, डंकी को लेकर खान सर का शानदार रिएक्शन सामने आया है। किंग खान की फिल्म डंकी को लेकर खान सर लाइव क्लास में बताते हुए कहते हैं कि लोग दूसरे देशों में जाकर गलत जगह फंस जाने हैं। डंकी की कहानी भी इसी टॉपिक पर है और कॉमेडी के साथ फिल्म काफी इमोशन भी होगी। फिलहाल डंकी के एक ड्रॉप ने ही पूरा सोशल मीडिया हिलाकर रख दिया, इस तरह का क्रेज है। शाहरुख फैंस भी झूम उठे हैं। दोस्तों, जवान के बाद शाहरुख खान एक बार फिर अपनी फिल्म डंकी से बॉलीवुड में वापसी कर चुके हैं। वही डंकी का प्रमोशन भी धमाकेदार लेवल का चल रहा है। शाहरुख खान के फैंस का टारगेट ये है कि इस बार पहले दिन डंकी सभी इंडियन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी इस बार जवान से भी ज्यादा कमाई करने वाली है। के गाने फिलहाल टी सीरीज वालों ने खरीद लिए हैं। शाहरुख खान की फिल्मों के गाने काफी ज्यादा हिट जाते हैं। पिछली फिल्म पठान जवान के गाने भी काफी ज्यादा देखे गए हैं, इसलिए इस बार डंकी के गानों से भी उम्मीद लगाई जा रही है कि काफी रिकॉर्ड बनाएंगे। एक खबर ये भी आई थी, डंकी के गाने काफी महंगे खर्चे में बनाए गए। वर्ल्ड वाइड 20 देशों में डंकी रिलीज होगी। दोस्तों, इस बार ये फिल्म 2000 करोड़ की कमाई कर सकती है, क्योंकि इसके मास्टरमाइंड राजकुमार हिरानी हैं, जिन्होंने अभी तक सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में ही बनाई है। इसलिए डंकी पर ऑडियंस को पूरा भरोसा है और ये फिल्म दुनिया भर से इतना कलेक्शन करेगी कि वॉकआउट गैंग को गिनती नहीं आएगी। लेकिन रास्ते में एक बड़ी चुनौती है जिसको आप सब जानते हैं। मास एक्शन के बादशाह प्रशांत नील, उनकी फिल्म सालार भी डंकी के साथ साथ चल रही हैं। ओवरसीज में जो प्लान डंकी के मेकर्स बना रहे हैं, सालार भी वही कर रही हैं। दोस्तों, फिल्म के गाने भी काफी महंगे बनाए गए हैं और ऐसे में फिल्म से ऑडियंस को काफी ज्यादा उम्मीद है, इसलिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि डंकी और सालार किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि डंकी या सलार कौन सी फिल्म आगे जाएगी।